ठीक है ना, चाहे इसके ऊपर ये रखो चाहे इसके ऊपर ये रखो, दोनों ही एक दूसरे को क्या कर लेंगी, ढक लेंगी, क्योंकि ये सर्वांगसम है। हेलो हिंदी मीडियम अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ अरुण कुमार यादव और आज मैं शुरू कर रहा हूँ कक्षा 9 का अध्याय 7, जिसका नाम है त्रिभुज। इस चैप्टर के लिए बहुत सारे बच्चों ने कमेंट्स किया था क्योंकि उन्हें काफ़ी दिक्कत हो रही है इस चैप्टर में, तो काफ़ी कमेंट्स आए हुए थे कि ये अध्याय कब शुरू होगा। देखो अभी पिछले एक हफ्ते से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी, इसलिए थोड़ा लेट शुरू हो रहा है, बट कोई बात नहीं, हम जल्दी से इसको कवर कर लेंगे। अभी मेरी तबीयत ठीक है, ठीक है, पहले से काफ़ी ठीक है, तो अब मैं कोशिश करूंगा कि मैं डेली रेगुलर वीडियोस अपलोड कर पाऊँ, ठीक है। तो देखो इस वीडियो में हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखेंगे, मतलब पहले हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे इस चैप्टर के बारे में, उसके बाद हम एनसीईआरटी के कुछ उदाहरण भी सॉल्व करने वाले हैं, ठीक। और इससे पहले के जो अध्याय हैं उनका लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखो अध्याय का नाम क्या है, त्रिभुज। तो सबसे पहले हमें समझना है कि त्रिभुज क्या होता है। यहाँ पर जो ये आकृति आपको दिख रही है ये क्या है, ये है एक त्रिभुज, ठीक है। ऐसा नहीं है कि त्रिभुज आप पहली बार पढ़ रहे हैं, आपने बहुत बार त्रिभुज के बारे में पढ़ा होगा कक्षा 6 में, 7 में, 8 में, ठीक है, 9वीं में भी। हम पिछले चैप्टर जो था, पिछला जो चैप्टर था छठा, उसमें हम त्रिभुज के बारे में पढ़ के आए हैं, तो मतलब त्रिभुज से आपकी जान पहचान काफ़ी पुरानी है। बट फिर भी अगर त्रिभुज के बारे में आपसे कोई पूछता है कि त्रिभुज क्या होता है, तो आप उसे कह सकते हो या बता सकते हो, तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। मतलब जो त्रिभुज होता है इसमें कितनी भुजाएं होती हैं, तीन भुजाएं होती हैं, ठीक है, और ये एक बंद आकृति है, तो इसको हम क्या कहेंगे, त्रिभुज कहेंगे। आप भुजाओं की जगह बोल सकते हो रेखाखंड, यानी कि तीन रेखाखंडों से बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं, ठीक है, आप ऐसे भी कह सकते हो। अब देखो त्रिभुज के बारे में क्योंकि आप बहुत बार पढ़ चुके हो तो बहुत कुछ आपको पता भी है, लेकिन इस अध्याय में क्या करना है हमें, इस अध्याय में हमें त्रिभुजों की सर्वांग समता के बारे में पढ़ना है। तो मतलब जो मेन कॉन्सेप्ट होंगे वो ये होंगे कि दो त्रिभुज सर्वांगसम कब कब होते हैं, ठीक है, लेकिन मैं उस पर थोड़ी देर में आऊँगा। फिलहाल आपको क्या क्या पता है और क्या क्या पता होना चाहिए उसकी बात कर लेते हैं। देखो आप ये पढ़ चुके हो कि अगर मान लो ये कोण एक्स है, ये वाई है और ये जेड डिग्री का है, तो आप ये पढ़ चुके हो पिछले अध्याय में भी कि x प्लस वाई प्लस जेड यानी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, आप ये पढ़ चुके हो। साथ ही साथ अगर त्रिभुज की कोई भुजा ऐसे बढ़ा दी जाए, ठीक है, इस तरह से, तो जो ये बाहर वाला कोण है, मान लो अगर ये P है, P डिग्री है, तो ये बराबर होगा अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर, यानी x जमा जेड के बराबर, ठीक है, ये भी मैंने आपको पिछली वीडियो में पढ़ाया था। साथ ही साथ त्रिभुजों के प्रकार के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना, जैसे कि ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग माप की हों तो उसको हम बोलते हैं विषमबाहु त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान माप की हों यानी दो भुजाएं बराबर हों उनको हम बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों ही भुजाएँ आपस में बराबर हों उसको हम बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। तो ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए ना। हमारा मेन क्या है, सर्वांग समता को समझना कि अगर दो आकृतियां सर्वांगसम है तो क्या मतलब है उसका। तो यहां पे मैं लिखा है सर्वांगसम आकृतियां, ठीक है, हालांकि हमें सर्वांगसम त्रिभुज के बारे में पढ़ना है सिर्फ इस चैप्टर में, बट फिर भी ठीक है मान लेते हैं, अभी त्रिभुज की बात नहीं कर रहा, कोई भी आकृति अगर सर्वांगसम है आपस में तो क्या मतलब होगा इसका। तो यहां पर देखो सर्वांगसम का क्या मतलब है, अगर आप इस शब्द को ही ध्यान से देखो, इसको थोड़ा तोड़ो, तो क्या मतलब है, सर्वांग सम मतलब सर्व अंग समान, यानी कि सारी चीजें अगर दो आकृतियां आपस में सर्वांगसम हैं तो उनकी सभी चीज सभी अंग समान होंगे, ठीक है, मतलब आप ऐसे भी कह सकते हो हूबहु एक जैसी आकृतियों को हम सर्वांगसम बोलेंगे, जिनका आकार भी एक जैसा हो माप भी एक जैसा हो, समझ में आ गई बात। तो मतलब सर्वांगसम मतलब सब कुछ समान, ठीक है, सब कुछ एक जैसा। तो यहाँ पर सर्वांगसम होने के लिए आपको याद रखना है दो चीजें होनी बहुत जरूरी हैं, पहला समान आकार। अब यहाँ आकार का मतलब साइज मत समझना, यहाँ आकार का मतलब है उनका डिजाइन, उनकी शेप कैसी है, ठीक है, क्या वो त्रिभुज के आकार की हैं या वो चतुर्भुज के आकार की हैं, पंचभुज के आकार की हैं या कोई और आकार है उनका, तो ये मतलब है आकार का। आकार का मतलब है साइज मत समझना, साइज के लिए मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, ठीक है, समान, दूसरा क्या है, समान साइज यानी कि माप। तो मतलब अगर दो आकृतियां ये दोनों गुण अपने अंदर रखती हैं तो वो सर्वांगसम हो जाएंगी, ठीक है, या हो सकती हैं, क्या समान आकार यानी कि उनका डिजाइन शेप एक जैसी है, दूसरा समान माप, उनका माप बराबर है। सर्वांगसम आकृतियों की एक और खास बात आप समझ सकते हो, क्योंकि इनका आकार और माप समान होगा
तो मतलब ये एक दूसरे के ऊपर अगर रखी जाए तो एक दूसरे को ये पूरा पूरा ढक लेंगी, क्योंकि हूबहू एक जैसी डिजाइन की होती हैं और एक माप की होती हैं। जैसे जैसे अगर मैं आपको समझाऊं तो उदाहरण लेते हैं, चलो वृत्तों का। अभी मैं त्रिभुज पे नहीं आ रहा, वृत्त से समझते हैं शुरुआत में। ये है पहला वृत्त, ये है दूसरा और ये है तीसरा। मेरे पास ये तीन वृत्त हैं। मैंने क्या देखा, मैंने कहा यार इन तीनों का आकार जो है वो तो वृत्त के आकार के हैं, यानी वृत्ताकार है। तो तीनों का आकार तो ठीक है, वृत्ताकार है, एक ही जैसा आकार है, क्या माप भी एक जैसा है? अब उसके लिए मैं क्या करूंगा, या तो क्षेत्रफल निकालूं। अब यहाँ पे क्षेत्रफल कैसे निकालूंगा, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं इसको उठा के इसके ऊपर रखता हूँ, देखता हूँ कौन बड़ा है कौन छोटा है या बिल्कुल बराबर है। अरे ये तो बिल्कुल बराबर आ रहे हैं, देख लो, ऐसा लग रहा है जैसे एक ही है ना, लेकिन है ये दो। मैं इसको हटाऊंगा, आपको दूसरा नजर आएगा। तो ये क्या कर रहे हैं, ये एक दूसरे को बिल्कुल ढक ले रहे हैं, जो मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले, ठीक है ना, कि अगर दो आकृतियां एक ही आकार की हैं, दोनों ही वृत्त हैं और समान माप के, देखो दोनों का माप समान है, तो एक दूसरे को ढक लेंगी, मतलब ये सर्वांगसम है, ठीक है ना। चाहे इसके ऊपर ये रखो चाहे इसके ऊपर ये रखो, दोनों ही एक दूसरे को क्या कर लेंगी, ढक लेंगी, क्योंकि ये सर्वांगसम है, सर्व अंग समान, सब कुछ इनका एक जैसा है, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे कि ये सर्वांगसम है। अब समझ में आ रहा हो, थोड़ा थोड़ा चित्र बन रहा होगा आपके दिमाग में कि हाँ भाई इस चीज को हम सर्वांगसम बोलेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं कि ये सर्वांगसम है क्या उसके, मैंने इसको नहीं, ठीक है, मैंने इसको इसके ऊपर रखा, तो इनका साइज तो भाई अलग अलग है ना, इनका माप अलग अलग है, तो ये सर्वांगसम नहीं है, ये एक दूसरे को पूरा पूरा ढक नहीं पा रही है। तो यहां से आपको क्लियर हुआ होगा कि सर्वांगसम कहने का क्या मतलब है। सर्वांगसम का देखो ये निशान होता है, इस निशान को हम बोलते हैं सर्वांगसम, मतलब पहला वृत्त सर्वांगसम है दूसरे वृत्त के, इसको हम ऐसे पढ़ेंगे, पहला वृत्त सर्वांगसम है दूसरे वृत्त के। तो जो भी दो चीजें सर्वांगसम हैं उनके बीच में आप ये निशान लगा दोगे तो सामने वाला समझ जाएगा कि आप क्या कहना चाहते हो, आप उनको सर्वांगसम कहना चाहते हो। तो इस निशान को याद रखना, समझ में आ गई बात, ठीक है। चलिए ये दोनों सर्वांगसम है, ये इनके सर्वांगसम नहीं है, ठीक है ना। अब देखो आगे चलते हैं थोड़ा, ये आपके पास क्या है, वर्ग है, ठीक है ना, ये सारे वर्ग हैं, ये भी वर्ग है, ठीक है, ये भी क्या है, ये वर्ग है, इसको मान लेते हैं वर्ग एक, इसका नाम मैंने रख दिया वर्ग एक, इसका नाम मैंने लिखा वर्ग दो, ठीक है ना, नाम है एक दो, जैसे बाहुबली 1 बाहुबली 2 होती है ना, वैसे ही है वर्ग 1 वर्ग 2 वर्ग 3 नाम है, ठीक। अब फिर से हमें देखना है कि क्या आकार एक जैसे, हाँ आकार तो तीनों का ही क्या है, वर्ग के आकार के हैं, जिसे हम बोलेंगे वर्गाकार, तीनों ही आकृतियां वर्गाकार यानी वर्ग के आकार की हैं, लेकिन क्या इनका माप सेम है, देखते हैं। इसको मैंने उठाया, इसके ऊपर रखा, हालांकि आपको ऐसे उठा के रखने की जरूरत नहीं है, पेपर में ऐसा कुछ नहीं आएगा समझाने के लिए, ठीक है। तो बिल्कुल क्या हो गया, बिल्कुल एक दूसरे को ढक ले रहे हैं, है ना, इसको उसके ऊपर ये रखूंगा तब भी ऐसे होगा। तो मतलब ये पहला वर्ग दूसरे वर्ग के सर्वांगसम है, लेकिन ये जो तीसरा वाला है इसको उठा के रखूंगा, नहीं, इनका साइज अलग अलग है, समझ में आ गई बात। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ, यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि जो वर्ग है, कौन सा वर्ग, पहला वर्ग है ना, जिसको मैंने नाम दिया वर्ग 1 बाहुबली 1, ये सर्वांगसम है वर्ग 2 के। यहां तक बात समझ में आई, तो अब मुझे ये बताओ कि जो ये वृत्त सर्वांगसम थे ये क्यों थे, कब होते हैं दो वृत्त सर्वांगसम? आपको समझ में आ गया होगा कि अगर इनकी त्रिज्या बराबर होगी ना भाई, यानी कि इसकी त्रिज्या R1 और इसकी त्रिज्या मान लो R2, अगर इनकी त्रिज्याएं बराबर होंगी तो ये सर्वांगसम हो जाएंगे। हम बोलेंगे अगर वृत्त की त्रिज्या बराबर है, वृत्तों की त्रिज्याएं बराबर हैं, तो वो वृत्त आपस में सर्वांगसम होंगे। अगर ऐसा है तो जो वृत्त 1 है, चलो पहले वाले का नाम देते हैं वृत्त 1, ये सर्वांगसम हो जाएगा जो वृत्त 2 है उसके, है ना, ऐसी रफली लिख रहा हूँ, इसको दिल पे मत लेना कि ऐसे तो नहीं लिखना है ऐसे हिंदी में, वो दिल पे मत लो ये समझाने के लिए, ठीक है। तो चलो ये समझ में आ गया कि दो वृत्त तभी सर्वांगसम हो सकते हैं जब उनकी त्रिज्याएं बराबर हो। क्यों? क्योंकि यार दोनों वृत्त होंगे तो आकार तो वृत्ताकार हो ही गया, अब माप बराबर होना चाहिए, रेडियस बराबर होगी, त्रिज्याएं बराबर होंगी, तो सब कुछ बराबर हो ही जाएगा, ठीक है। ऐसे ही दो वर्ग कब बराबर होंगे, जब उनकी भुजाएं बराबर होंगी, ठीक है, दो वर्ग कब बराबर होंगे, जब इनकी भुजाएं बराबर हो, ठीक है ना। खैर ये सब तो था वृत्त के केस में या वर्ग के केस में। अब अगर हम बात करें त्रिभुज में, तो त्रिभुज में बड़ा बवाल है भाई साहब, ठीक है। ये क्राइटेरियाज हैं, कुछ कुछ कसौटियां हैं, नियम हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे। ये नियम अगर त्रिभुज में अप्लाई हो रहे हैं तभी त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। आपके दिमाग में आ सकता है कि यार
यहाँ वर्ग को सर्वांगसम करना था तो हमने सिर्फ भुजा देख ली, ठीक है, वृत्त को करना था हमने सिर्फ उसकी त्रिज्या देख ली, तो यहाँ पर इतना बवाल क्यों? ये पांच चीज़ें मैं पहले नाम बताता हूँ फिर समझाता हूँ ऐसा क्यों होता है। पहला क्या है, देखो ये सिर्फ नाम है, इनके बारे में डिटेल में हम समझेंगे एक एक करके, है ना, सबको समझेंगे, तो टेंशन वाली कोई दिक्कत नहीं है, एक एक करके समझाऊंगा मैं ये क्या है। पहले नाम देख लो, ठीक है। पहला जैसे क्या है यहाँ पर देखो, साइड साइड साइड, एस का मतलब है साइड, साइड साइड साइड, साइड को हिंदी में क्या बोलते हैं, भुजा, इसी को आप बोल सकते हो भुजा 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 सर्वांगसमता नियम, ठीक है। इसी तरह से साइड एंगल साइड, यानी कि भुजा कोण भुजा, एंगल साइड एंगल, ए फोर एंगल, एस फोर साइड, ए फोर एंगल, कोण भुजा कोण, एंगल एंगल साइड, कोण कोण भुजा, आर एच एस राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, यानी कि समकोण कर्ण और भुजा। ये जो पांच कसौटियां हैं, पांच नियम हैं सर्वांगसमता के, ये आपको याद होने चाहिए, ठीक है। अब बताता हूँ कि त्रिभुज में ऐसा क्यों हो रहा है कि हमें इतने सारी चीज़ें देखनी पड़ रही हैं। देखो कि अगर अपने पास दो त्रिभुज हैं, हमें ये भी पता है कि ये सर्वांगसम है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कभी भी कि इस त्रिभुज को कैसे भी उठा के इसके ऊपर रखेंगे तो पूरा पूरा ढक लेगा। हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सी भुजा किस भुजा के ऊपर रखें। जब हम वृत्त के बारे में देख रहे थे तो पूरा राउंड है, वहाँ पे कोई टेंशन नहीं थी, लेकिन यहाँ टेंशन हो जाएगी। कैसे, देखो जरा, ये 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, देख ले, ये 5 ये 5, ये 4 ये 4, ये 3 ये 3, माप में तो बराबर है, लेकिन अगर मैंने इसको उठाया और उठाते हुए इसके ऊपर रख रहा हूँ तो गलती से क्या हुआ कि 5 के ऊपर मैंने 3 वाली साइड रख दी, मतलब मैंने इसे उठाया, इसे घुमाया, 5 के ऊपर क्या रख दी, 3 वाली। तो क्या कभी 5 सेंटीमीटर की साइड को 3 सेंटीमीटर वाली साइड ढक पाएगी? नहीं ढक पाएगी ना। मेरे कहने का मतलब, मैंने इसको उठाया और इसे पलट दिया, नहीं हो पाएगा ऐसा। मुझे 5 वाले के ऊपर 5 वाला ही रखना पड़ेगा, 3 वाले के ऊपर 3 वाला और 4 वाले के ऊपर 4 वाला रखना पड़ेगा। त्रिभुज के केस में ये चीज़ भी ध्यान रखनी पड़ेगी मुझे, ना। तो मतलब मैं इसको ऐसे ही उठाऊँगा, 5 के ऊपर 5 और 3 के ऊपर 3 और 4 के ऊपर 4 रख दूंगा। जहाँ मैंने पलटा घुमाया कुछ भी किया, त्रिभुज वही है, त्रिभुज के आकार में कोई बदलाव नहीं आया, माप में कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन मैंने इसे उठा के सिर्फ घुमा दिया, वो वाली साइड इधर, ये वाली साइड उधर, अब मैं रखूँगा, ढकेंगे नहीं एक दूसरे को। तो मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे कुछ इस तरह से ही उठा के रखना पड़ेगा कि इनके संगत भाग एक जगह पे आए। जैसे 5 वाली साइड के पास 5 वाली साइड आए, 3 वाली के पास 3 वाली आए, 4 वाली के पास 4 वाली आए। वही चीज़ मैं नाम में जब लिखता हूँ, अभी नियम नहीं बता रहा मैं, साइड 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 है यहाँ पे, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, वो भी आएगा। अभी मैं बता रहा हूँ कि इसका नाम हम लिखते हुए सावधानी क्यों रखते हैं। जैसे अगर मैं पहले वाले का नाम ए बी सी लिखूंगा, मैंने अपनी मर्जी से एबीसी लिखा, पहला वाला अपनी मर्जी लिख सकते हो, दूसरा वाले का नाम लिखते हुए ध्यान रखना पड़ेगा। भाई देखो, दूसरे वाले का नाम आप बहुत तरीके से लिख सकते हो ना, पी क्यू आर भी बोल सकते हो, इस त्रिभुज को पी आर क्यू भी बोल सकते हो, क्यू आर पी भी बोल सकते हो, बहुत कुछ बोल सकते हो इसको तो। लेकिन यहाँ क्या लिखोगे, वही वाली कहानी कि जब इसको उठा के यहाँ रख रहे हो तो संगत भाग एक जैसे आए। जैसे अगर ये साइड 5 सेंटीमीटर है, मैंने देखा इस साइड का नाम ए बी है, शुरुआत में देखो साइड कौन सी नज़र आ रही है, ए बी, तो वहाँ पे वही साइड आएगी जो ए बी के बराबर है, यानी कि पी क्यू। समझ में आ गया। बीच वाला और आखिरी वाला अक्षर मिला के देखा मैंने, बी सी आया, मैं देखूंगा बी सी कितना है, 4, तो देखूंगा उस त्रिभुज में 4 कौन है, उस त्रिभुज में 4 है क्यू आर, यानी कि जो यहाँ बी सी आया है इसके सीध में क्यू आर आना चाहिए, यहाँ बी सी यहाँ क्यू आर। शुरू वाला अक्षर आखिरी वाला अक्षर मिला के ए सी बन रहा है, और ए सी कितना है, 3, तो इसके शुरू और आखिरी को जो भी बन रहा है पी आर, वो भी 3 होगा। देख लो, तो नाम भी लिखने में आपको ये सावधानियाँ रखनी पड़ेंगी। इसी को हम बोलते हैं बाई सी पी सी टी। आपने बहुत बार सुना होगा जब हम बाई सी पी सी टी बोल के सीधा लिख देते हैं कि कोण सी भी कोण आर के बराबर हो। क्या मतलब हुआ उसका, कि भाई जो इनके संगत भाग हैं वो बराबर हैं, यानी सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। यानी कि एक बार ये सर्वांगसम हो गए, अब कोण के बारे में तो यहाँ मुझे कुछ नहीं पता ना, लेकिन मैं बोल सकता हूँ इसका पहला अक्षर से कौन सा कोण बन रहा है, ए, तो इसके पहले अक्षर से कौन सा कोण बन रहा है, पी, यानी ए का संगत कोण यहाँ पर, वो वाला संगत नहीं है, संगत भाग दो त्रिभुजों का, ठीक है, जो आपने समांतर रेखाएं पढ़ी थी संगत कोण, उसकी बात नहीं कर रहा, यहाँ संगत का मतलब है इसके साथ कौन सा अटैच हो रहा है, ठीक है। तो ए यहाँ पहले है तो यहाँ पी पहले है, तो कोण ए बराबर कोण पी होगा बाई सी पी सी डी, सीधा बोल लो। कोण बी बराबर कोण क्यू होगा, कोण सी बराबर कोण आर होगा, ये सब मतलब है बाई सी पी सी टी का। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, सी पी सी टी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट मतलब संगत भाग,
कॉरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल के यानी कि सर्वांगसम त्रिभुजों के बराबर होते हैं। आपको सिंपल से ये मान के चलना है अभी, ठीक है। चलो ये तो समझ में आ गया सीपीसीडी क्या होता है। अब मैं आपको ये पांचों क्राइटेरिया समझाता हूँ। देखो पहला वाला क्या है, पहला वाला है एसएसएस, समझो जरा एसएसएस को, ठीक है। अभी हमने हालांकि देख भी लिया पर फिर भी समझो, एसएसएस का मतलब भुजा भुजा भुजा। देखो मैं आपको एक बात बताऊँ आगे बढ़ने से पहले, एक बार दरवाजा बंद कर दूँ थोड़ा, आगे बढ़ने से मैं आपको एक बात बताऊँ पहले कि यार देखो जब भी आप कोई चीज़ पहली बार सीख रहे हो उसको पूरा ध्यान से सीखो। और मैं ये पहले वीडियो में बोल चुका हूँ इससे पहले कि पहली बार में हो सकता है आपको कुछ बातें समझ में ना आए, आपको डरना नहीं है। दुनिया में कोई भी ऐसा जीनियस पैदा नहीं हुआ जो पहली बार में ही सब कुछ समझ लेता हूँ। जो सीबीएसई बोर्ड या किसी भी बोर्ड में या आईआईटी जेई में भी टॉपर्स भी होंगे ना, जो टॉप भी करते हैं, वो भी पहली बार में सब कुछ समझ जाते हैं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो पहली बार में आप जो समझ रहे हो पूरे फोकस से समझो, फिर धीरे धीरे इन पर प्रैक्टिस करो, फिर आपका वो कॉन्सेप्ट मजबूत होगा, ठीक है। और जब आपको एक बार बेसिक आएगा फिर आप थोड़े हार्ड क्वेश्चन करोगे, और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ना फिर आप इतने प्रो प्लेयर बन जाओगे कि आप कोई भी क्वेश्चन देख के फोड़ दोगे उसको। लेकिन ज़रूरी है जब आप बेसिक सीख रहे हो तो आपका ध्यान भटकना नहीं चाहिए। अब यही लेक्चर मान लो कुछ देर का होगा, 30 मिनट 35 मिनट जितने का भी हो, अभी तो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं। अब यही 30-35 मिनट में आप बचाने के चक्कर में स्किप कर करके वीडियो देखोगे ना, तो हो सकता है कि आपको वीडियो दोबारा देखनी पड़ जाए, कुछ दिनों बाद कुछ मिस हो जाए फिर दोबारा देखनी पड़ जाए। तो जितना आप स्किप करके चालाकी में अपना टाइम बचा रहे हो वो बर्बाद हो जाएगा। इससे बढ़िया आप पूरा ध्यान से देखो, एक बार पूरा टाइम दो, बार बार देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। चलो समझो इसको, एस 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 भुजा 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 क्या मतलब है इसका, कि त्रिभुज की तीनों ही भुजाओं का उपयोग होगा यहाँ पे। जब त्रिभुज की तीनों ही भुजाएं, पहले त्रिभुज की तीन भुजाएं, ठीक है, पहली के कॉरस्पॉन्डिंग में पहली, दूसरी के दूसरी, तीसरी के तीसरी, ऐसे बराबर हैं, तो वहाँ पे नियम लगता है एस एस एस। जैसे यहाँ पर देखो एक कट लगा है, यहाँ भी एक कट लगा है, मतलब ये बताने का तरीका है कि ये वाली साइड इसके बराबर है। मैं बोल सकता हूँ ए बी जो है वो बराबर है पी क्यू के, मान लो ये दिया है, गिवन है, ठीक है, दिया है, ठीक है, मान लो प्रश्न में दिया है। इस तरह से इसकी साइड क्या है बी सी, इसकी साइड क्या है क्यू आर, यहाँ मैं बोलूँगा बी सी बराबर क्यू आर है, ये भी दिया है। अभी ये समझा रहा हूँ बस ये नियम, ये सवाल वगैरह नहीं है, कन्फ्यूज मत होना, ठीक। इसका मान लो सी ए, इसका बराबर है आर पी। अब जरा ध्यान से देखो मैंने क्या इस्तेमाल किया, मैंने किसी एक तरफ के त्रिभुज को देख लो, मैंने तीनों ही भुजाएं का उपयोग कर लिया। इसकी भुजा ए बी यहाँ पे दिख रही है, बी सी यहाँ पे दिख रही है, सी ए यहाँ पे दिख रही है। जब मैं तीनों ही भुजाओं का इस तरह से उपयोग करूँगा, इसकी भी, तब मैं बोलूँगा यहाँ पे कौन सा नियम लगा है, तो मैं बोलूँगा बाई, या हिंदी में लिखते हैं, ठीक है, हम बोलेंगे एस 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 सर्वांग समता से, ठीक है, एस 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 सर्वांग समता नियम से त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज। दूसरे का नाम लिखते हुए ध्यान रखना, आपने पहले ए बी सी लिखा है, ऐसे दो ए से बी पे जाओ सी पे निकलो, तभी तो मिलेगा ए बी सी, ए से बी पे गए सी पे निकले, ए बी सी यानी पहले कट से होते हुए दूसरे कट की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पर भी आपको उसी तरह चलना होगा, पहले कट से होते हुए दूसरे कट की तरफ जाओगे, यानी कि पी क्यू आर, समझ में आ गया। अब अगर ये सर्वांगसम हो गए तो कोणों के बारे में आप क्या कह सकते हो, जो ए होगा वो पी के बराबर होगा, कोण ए कोण पी के बराबर होगा, क्यों, संगत हिस्से हैं इनके, ठीक है, जो संगत भाग होते हैं, संगत कोण ना बोल के चलो संगत भाग बोलते हैं, संगत कोण में कन्फ्यूज जाओगे, जो संगत भाग होते हैं सर्वांगसम त्रिभुजों के वो बराबर होंगे। ऐसे ही बी किसके बराबर होगा, क्यू के, सी किसके बराबर होगा, आर के। अब आप टीचर को इतनी लंबी चौड़ी स्टेटमेंट लिखते नहीं फिरोगे हर बार कि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, तो वहाँ आप शॉर्ट में लिखोगे बाई सी पी सी टी, टीचर समझ जाएगा आप क्या कह रहे हैं, समझ में आ गई बात। हालांकि अभी यहाँ कोड वगैरह बराबर नहीं करने, मैं क्राइटेरिया समझा रहा हूँ आपको। दूसरा तरीका क्या है, एस ए एस, एस ए एस कब लगता है, ध्यान से देखो, किनारे किनारे कौन है, भुजाएं, एस मतलब साइड भुजा, और बीच में कौन है, कोण मतलब एंगल। तो अगर अपने पास कुछ ऐसा दिया हुआ है कि जिन दो साइडों को बराबर दिखाया गया उन्हीं के बीच का कोण बराबर है, तब हम ये नियम लगाएंगे। जैसे देखो यहाँ पे एक कट, यहाँ पे एक कट, यहाँ पे तीन कट, यहाँ तीन कट, क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है ये वाली भुजा इसके बराबर, ये वाली भुजा इसके बराबर। अब जो बराबर भुजा है इन्हीं के बीच वाला कोण होना चाहिए, तभी ये नियम लगेगा, क्योंकि ये भुजाओं के बीच वाला कोण है। देखो ये भुजा के बीच में ही तो है ये कोण, ऐसे ये भुजा के बीच में ही तो है ये कोण,
तो यहाँ पर ये नियम लगेगा, समझ में आ गया। तो यहाँ मैं बोल सकता हूँ कि ए बी बराबर है पी क्यू के, कोण बी जो है बराबर है कोण क्यू के, दिया है सब लिख लेना, ठीक है। तो ये समझा रहा हूँ रफली है, बी सी बराबर है क्यू। तो यहाँ बोलोगे साइड एंगल साइड से, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम होगा त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक है। अभी हम कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट की बात नहीं कर रहे, ठीक है ना, संगत भागों की। अभी सिर्फ इतना समझो, ये समझ में आ गया कौन सा नियम था ये, साइड एंगल साइड। ऐसे ही आप बाकी के भी समझ सकते हो, मैं इसको करके नहीं दिखा रहा, समझ जाओ। एंगल साइड एंगल यानी कि कोण भुजा कोण कब लगेगा, ध्यान से देखो, दो कोण होने चाहिए, उनके बीच वाली, उन्हीं कोणों के बीच वाली भुजा होनी चाहिए। जैसे जैसे ये वाला कोण है इसके बराबर, ये वाला कोण है इसके बराबर, अब कोण ये वाला है और ये वाला है, तो इन दोनों कोणों के बीच वाली भुजा ही बराबर दी होनी चाहिए, ये भुजा ही बराबर दी होगी तब ये लगेगा। ऐसा नहीं है कि कोण ये और ये वाला और भुजा यहाँ दे दे तब दूसरा नियम हो जाएगा वो। लेकिन अगर ये कोण है ये कोण है, दोनों कोणों को ऐसे मिला रहे वाली भुजा ही आपस में बराबर दी गई हैं, तब हम ये नियम लगाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो कि क्या हो रहा है, कोण फिर बीच में भुजा फिर कोण, ठीक है ना, कोण भुजा कोण, तो ये नियम लगेगा ऐसे। ऐसे ही अगला क्या है, कोण कोण भुजा, एंगल एंगल साइड, मतलब एक कोण होना चाहिए फिर दूसरा कोण होना चाहिए, फिर जब दूसरा कोण होगा उसके किनारे वाली भुजा होनी चाहिए। कोण कोण, कोणों के बीच वाली भुजा नहीं, कोण कोण फिर भुजा, कोण कोण फिर अगले वाली भुजा, कोण कोण फिर अगली भुजा, समझ में आ गया। अगला नियम है अपना RHS, सबसे कम इस्तेमाल होता है और बच्चों को सबसे समझने में ज़्यादा कठिनाई होती है, बट इसमें है नहीं कुछ, ठीक है। समकोण कर्ण भुजा, आपको पता है कि भाई नाम से ही पता लग रहा है ये उसी उन्हीं त्रिभुज में लगेगा जो समकोण त्रिभुज होंगे। समकोण त्रिभुज का मतलब ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, ठीक। तो देखो जैसे ये समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है, ये 90 है, ये 90 है, तो इसमें क्या खास बात होती है, देखो इसकी फुल फॉर्म है आर मतलब राइट एंगल, राइट एंगल मतलब समकोण, एच मतलब हाइपोटेन्यूज जिसे कर्ण बोलते हैं, एस मतलब भुजा यानी साइड, ठीक है। आपको पता है कि अगर आपके पास एक ये त्रिभुज है तो इसमें 90 के सामने, ये 90 है तो 90 के सामने वाली भुजा को हम कर्ण बोलते हैं, ये तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यानी कि अब क्या है कि ये नियम लगाने के लिए पहली बात तो समकोण होना चाहिए यानी 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए, ठीक। दूसरी बात 90 के सामने वाली भुजा दोनों ही त्रिभुजों में बराबर होनी चाहिए, 90 के सामने वाली यानी कि कर्ण, तो दोनों में कर्ण बराबर होना चाहिए, कर्ण के अलावा कोई एक भुजा जैसे इसमें ये वाली और ये वाली बराबर, ठीक है, तब ये नियम लगेगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब जरा कुछ उदाहरण देखते हैं एनसीईआरटी के, आपको और अच्छे से नियम क्लियर हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। अब देखो ये उदाहरण एक है, इसमें क्या बोला गया है कि जो ये आकृति दी गई है हमें, इसमें OA बराबर OB के है, ठीक है। OA मतलब ये वाली भुजा, OB मतलब ये वाली भुजा, ठीक है। ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है, इसीलिए इस पर एक कट लगा तो इस पर भी एक कट लगा हुआ है, ठीक। दूसरी बात OD बराबर OC है, OD मतलब ये वाली भुजा, OD बराबर है OC यानी इसके, ठीक। अब हमें दर्शाना है कि AOD जो है वो BOC के सर्वांगसम है, ठीक है। AOD देखो कहाँ पर है, A से O पे जाओ, D की तरफ निकलो, यानी ये वाला त्रिभुज, ठीक है, क्या दिखाना है, ये सर्वांगसम दिखाना है, किसके सर्वांगसम दिखाना है, BOC के, यानी B से O पे जाओ C पे निकलो, इस वाले के सर्वांगसम दिखाना है, समझ में आ गई बात। चलो दूसरी बात, AD और BC समांतर दिखाना है, AD ये रहा BC ये रहा, इनको समांतर दिखाना है। चलिए देखते हैं कैसे हो सकता है ये। तो चलो पहले बात करते हैं सर्वांगसम कैसे होंगे। यहाँ पर है AOD, यहाँ पर है BOC। AOD में देखो, AOD यानी इसमें ये वाली भुजा के बारे में बताया गया, इस पर एक कट है, इस पर बताया गया है दो कट है, और बीच वाला कोण भी हमें दिख रहा है, यानी कि किनारे किनारे भुजा, बीच वाला कोण, भुजा कोण भुजा, तो भुजा कोण भुजा से आराम से हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, ठीक है। तो चलो करते हैं इसको। मैंने लिखा त्रिभुज AOD व त्रिभुज BOC में, लेफ्ट मैंने क्या लिखा, AOD, AOD का कोई एक हिस्सा देखो जिसके बारे में पता हो, AOD का AO, AOD का AO बोलो OA बोलो एक ही बात है, ठीक है, बराबर BOC के, BOC के किसके बराबर है, OB के, क्यों दिया है, समझ में आ गई बात।
ये बराबर है OA बराबर OB, यहाँ पे आप देख सकते हो OA बराबर OB दिया था। दूसरी बात क्या, इसके बीच वाले कोण को यहाँ बोल देते हैं, चलो इस कोण का नाम है AOB, कोण AOB बराबर है कोण BOC के। क्यों बराबर है, शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है यहाँ लिख देता हूँ मैं, ठीक है यहाँ पर क्या है शीर्षाभिमुख, ठीक है कोण, शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। क्या होते हैं शीर्षाभिमुख कोण, मैंने आपको बताया था कि अगर दो रेखा या रेखाखंड ऐसे काट रहे हैं तो आमने सामने वाले कोण बराबर होते हैं, इनको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। तो यहाँ पर भी देखो ये ऐसे काट रहे हैं तो ये वाला कोण ये वाले कोण के बराबर होगा, ठीक है इस कोण का नाम क्या हो जाएगा ए ओ डी, ठीक है और ऊपर वाले कोण का नाम क्या होगा बी ओ सी, ये हो गए बराबर। दूसरी बात क्या, हमने लेफ्ट में ए ओ डी लिखा है तो ए ओ डी वाले त्रिभुज में देखो इसमें यहाँ दो कट नज़र आ रहे हैं यानी ओ डी, ठीक है यानी कि ओ डी उस वाले त्रिभुज में दो कट किस पे है इस पे, यानी कि ओ सी के बराबर है। क्यों बराबर है, दिया है, दिया है, कौन सा नियम लगा, कौन सा नियम लगा भाई, कौन सा नियम लगा, हम बोलेंगे किनारे किनारे की भुजा बीच में एंगल, यानी साइड एंगल साइड नियम से त्रिभुज क्या था ए ओ डी क्या हो गया सर्वांग सम, त्रिभुज सी बी ओ सी, त्रिभुज बी ओ सी, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है भाई। चलिए अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ गई हैं तो अब थोड़ा जगह बनाते हैं, ठीक थोड़ा जगह बनानी पड़ेगी भाई, नहीं तो फिर जगह बची नहीं है। ये जो आकृति थी इसको नीचे लेके आता हूँ मैं, देखो अगले हिस्से में मुझे क्या दिखाना था, अगले हिस्से मुझे दिखाना था कि जो AD है और BC है ये समांतर है, तो ये कैसे समांतर हो पाएंगे, देखो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ क्या ये वाला जो कोण होगा इस वाले कोण के बराबर अगर मैं कर दूँ तो ये तो एकांतर कोण दिख रहे हैं, अगर एकांतर कोण में बराबर कर दूँ तो रेखाएं समांतर हो जाएंगी, क्यों, क्योंकि अगर एकांतर कोण बराबर हो तो रेखाएं समांतर होती हैं, ठीक है तो इनको मैं बराबर कैसे करूँगा, देखो मैं यहाँ बोलूँगा सीधा सीधा कोण ए बराबर है कोण बी के बाई सी पी सी टी। अब समझ में आया सी पी सी टी का मतलब, सी पी सी टी, ठीक है यानी कि अगर त्रिभुज सर्वांगसम है तो उनके संगत भाग आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पर देखो शुरुआत में ए मिल रहा है, ए का संगत भाग क्या होगा जो इसके शुरुआत में मिलेगा यानी कि बी, तो ए और बी बराबर हो गए बाई सी पी सी टी से, है ना। तो मैं क्या बोलूँगा, ठीक है आपको याद रखना, फिर से बोल रहा हूँ सी बी सी डी का मतलब है कि इसका पहला इसके पहले के बराबर होगा कोण, यानी संगत जो भाग हैं वो आपस में बराबर होंगे। तो इतनी लंबी चौड़ी स्टेटमेंट हम यहाँ नहीं लिखेंगे कि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग आपस में बराबर होंगे, शॉर्ट में लिख दो भाई सी बी सी डी, टीचर समझ जाएगा। जैसे ये बराबर हो गए तो हम बोलेंगे परंतु ये तो एकांतर कोण है, परंतु ये एकांतर कोण है भाई, ठीक है ना, देख लो अब एकांतर अंत है कोण है और एकांतर कोण क्या आ गए बराबर। अगर एकांतर कोण बराबर आ गए मतलब ये क्या होंगे आपस में समांतर, यानी कि ए डी समांतर होगा बी सी के। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप छठा चैप्टर देख के आए हो तो आपको ये ज़्यादा अच्छे समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ये था पहला उदाहरण है, दूसरा उदाहरण देखो, दूसरा उदाहरण भी आसान है। क्या बोला गया इसमें, इसमें बोला गया है कि उदाहरण दो जो है इसमें ए बी एक रेखाखंड है, कहाँ दिख रहा है ए बी, ये रहा ये ए बी एक रेखाखंड मतलब रेखा का टुकड़ा है, ठीक है, और L इसका लंब सम द्विभाजक है। ये जो आपको रेखा नज़र आ रही है इस रेखा का नाम है L, तो जो L है वो इसका लंब सम द्विभाजक है, ठीक है भाई ये भी समझ में आ गया। अब लंब सम द्विभाजक है लेकिन इसका मतलब क्या हुआ, लंब सम द्विभाजक का मतलब हुआ यहाँ पर ये कोण 90 है इधर भी 90 है, ये टुकड़ा AC ये टुकड़े BC के बराबर है। सम द्विभाजक का मतलब क्या होता है, जो समान दो भागों में बांट दे। लंब का मतलब क्या होता है, जो इस पे 90 डिग्री का कोण बनाए, तो ये दोनों है लंब भी है समद्विभाजक भी है, इसीलिए लंब समद्विभाजक है। तो मतलब लंब है इसलिए 90 हो गए, समद्विभाजक मतलब ये टुकड़ा इसके बराबर हो गया, ठीक।
अब हमें दिखाना है कि जो पी है वो ए और बी से समदूरस्थ है। पी कहाँ पे है? ये रहा, ये जो बिंदु है ना, इस बिंदु का नाम है पी। पी समदूरस्थ किससे दिखाना है? ए और बी से, मतलब पी की दूरी ए से और पी की दूरी बी से, यही तो दूरी होगी, ये बराबर दिखाना है। मतलब हमें ए पी को बी पी के बराबर दिखाना है, सीधी सी बात है। तो कैसे करेंगे? देखो, अगर मैं ये वाला त्रिभुज इधर वाले त्रिभुज के सर्वांगसम कर दूं तो संगत भाग बराबर होंगे, संगत भाग में आ जाएगा ये, ठीक है। चलो करते हैं। पहले मैंने लिख लिया दिया जो है, दिया क्या है, एल ए बी का लंब समद्विभाजक है जो कि दिया था, और पी जो है एल पर कोई बिंदु है। सिद्ध क्या करना है, दर्शाना क्या है कि जो पी है वो इन दोनों से समदूरस्थ है, मतलब ए से लेके पी और बी से लेके पी, ए पी और बी पी बराबर दिखाना है, ठीक है। चलो कैसे करेंगे, देखो मैं लिखूंगा त्रिभुज, त्रिभुज ए सी पी, ए सी पी व त्रिभुज बी सी पी में, ठीक है। यहाँ लिखते हुए थोड़ा ध्यान रखना सिमेट्री का, है ना। यहाँ से 90 पे जा रहे हैं, बीच वाली साइड पे निकल रहे हैं, देखो जरा ए सी पी 90 पे गए बीच पे निकले, ए सी पी, तो यहाँ पर भी 90 पे गए बीच में निकले बी सी पी। पहले ही आप ये बना लो ताकि जब सर्वांगसम लिखो तो कोई दिक्कत ही ना हो। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखो ए सी बराबर बी सी, क्या लिखोगे यहाँ पे, यहाँ पे लिखोगे भैया जो एल है वो ए बी का लंब समद्विभाजक लिख लेना, ठीक है। ये नहीं लिख लेना, एल ए बी का लंब समद्विभाजक है, तो अगर लंब समद्विभाजक है तो समद्विभाजक भी तो हुआ, तो समद्विभाजक है तो टुकड़े बराबर हो गए, ठीक है। दूसरा इसका कोण ये वाला, ठीक है, चलो इस कोण को नाम दे देते हैं ताकि मैं ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। इसको कोण एक बोल दिया, इसको कोण दो बोल दिया, तो यहाँ मैं बोलूँगा कोण एक बराबर कोण दो बराबर क्या, 90 डिग्री है। क्यों? क्योंकि जो L है वो लंब भी है, किस पे लंब है, ए बी के ऊपर। जो L है वो लंब है ए बी पे, ये लंब का निशान है, ठीक। तीसरी बात क्या, सी पी बराबर सी पी उभयनिष्ठ है, दोनों में ही आ रहा है, ठीक है। इसको जरा ध्यान से देखना क्या मतलब है इसका, देखो जो सी पी है ये, जो सी पी है यानी कि ये, थोड़ा मोटे पेन से दिखाता हूँ, ये तो दोनों त्रिभुजों में है ना, ए सी पी में जाओगे तब भी सी पी मिलेगा, बी सी पी में जाओ तब भी सी पी मिलेगा, तो दोनों में ही आ गया। तो यहाँ पे हमने क्या किया, देखो जरा ध्यान से, यहाँ पे हमने इस भुजा ए सी का प्रयोग किया, इसका प्रयोग किया, बीच वाले कोण का प्रयोग किया, देख लो, चाहे ए सी का प्रयोग किया, बीच वाला कोण एक इसका प्रयोग किया, सी पी इसका प्रयोग किया, तो कौन सा निम्न लगेगा, ये वाली साइड बीच वाला कोण, यानी साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा, ठीक है। तो कौन सा नियम लगाएंगे, हम बोलेंगे भुजा कोण भुजा नियम से, सर्वांग समता से, मैं सिंपली से लिख रहा हूँ, त्रिभुज कौन सा त्रिभुज, ए सी पी सर्वांग सम त्रिभुज बी सी पी। अब जैसे इतना हुआ, हमारा मकसद तो ये था नहीं कि हम इसको सर्वांगसम दिखाएं, बोला नहीं था, लेकिन तब भी हमने क्यों किया, क्योंकि हमें पता था कि अगर हम इन दोनों को सर्वांगसम कर देंगे तो हमें क्या दिखाना था, एपी, तो यहाँ से क्या मिलेगा, शुरू और लास्ट का अक्षर क्या मिल रहा है, एपी, तो इसके और शुरू और लास्ट का अक्षर क्या मिल रहा है, बीपी, एपी और बीपी ही तो आपस में बराबर दिखाने थे, तो ये बराबर होंगे, क्यों, संगत भाग है भाई, बाई सीपी सीपी, आगे बात समझ में। तो ये हो गया, ये दो उदाहरण थे जो मैंने पढ़ा उनको समझाने के लिए, बाकी जो क्वेश्चन है मैं अगली वीडियो से शुरू करूंगा। तो यार इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको ये सभी सवाल समझ में आए होंगे, कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।